काव्य की रौनक काव्य कमंज अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काव्य की रौनक काव्य कमंज अल्लाह हू अकबर
जो मताब है काबतुल्ला के आसपास, उसका उस पर वाइट सफ़ेद कलर का मार्बल है और अहराम का कलर भी सफ़ेद होता है, तो मंजर किसी की है शायर ने बड़ा प्यारा, कहता है कि कतरे को जैसे समंदर समेटे, अरे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे, पूछ लिया क्या करने जा रहा है, कहता है हजरे अस्वद को बोसा देने जा रहा हूं। शख्स ने सवाल कर लिया हजरे अस्वद का बोसा देने क्यों जा रहा है, वो शख्स जवाब देता है हजरे अस्वद का बोसा देने इसलिए जा रहा हूं कि ये पत्थर जन्नत से आया है। कह दो सुभान अल्लाह, हाँ आया है जन्नत से, आया होगा, मगर जन्नत से आना भी इतनी फजीलत नहीं बढ़ाता जितनी फजीलत एक आशिक रसूल देता है। वो भी जा रहा है, किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है, कहता है हजरे अस्वद को बोसा देने जा रहा हूँ। सवाल कर लिया क्यों जा रहा है बोसा देने, वो शख्स जवाब देता है कि हजरे अस्वद को बोसा देने इसलिए जा रहा हूँ कि ये पत्थर जन्नत से आया है मगर इसे मेरे आका ने चूमा है, तो भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, पर चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, ऐ हजरे अस्वद तेरा। एक और बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे अल्लाह हू अकबर इंशाल्लाह। देखिए जिसने आसमान ने जिसके तलवों को चूमा, उसके लबाए मुकद्दसा जिस चीज को चूम ले, उसका रुतबा क्या होगा यार, जरा सोचे तो सही। आसमान जिसके कदम को चूम रहे हैं, उसके लब किसी चीज को चूम रहे हैं, तो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। तो आपने कहना है अल्लाह हू अकबर, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, काबे अल्लाह अकबर। और मौला सबीह और क्या चाहता है, बस मगफिरत की अता चाहता है, बख्शिश की